हेलो फ्रेंड्स, एम एस सिविल स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो जो उसमें हम फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे वेट ऑफ स्टील पर मीटर के बारे में, और सेकेंड हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर के बारे में, एंड थर्ड नंबर हम बात करेंगे वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो है वेट ऑफ स्टील पर मीटर, यानी कि अलग अलग स्टील के लिए पर मीटर का वेट क्या होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो जो वेट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा 6 mm का पर मीटर वेट होगा वो होगा 0.222 kg। और अगर वहीं पे हम 8 mm का स्टील लेते हैं तो जो उसका पर मीटर का वेट होगा वो होगा 0.395 kg। और जो हमारा थर्ड नंबर है 10 mm, तो 0.616 kg, और 12 mm तो 0.88 kg, और जो हमारा 16 mm है वो है 1.578 kg। और वहीं पे हम 20 mm के बारे में बात करेंगे, तो जो उसका जो स्टील का पर मीटर वेट होगा तो वो है 2.466 kg। और वहीं पे 25 का है 3.853 kg। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है, हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर्स। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर है वो है, फर्स्ट नंबर जो है वो है इंच। तो 1 inch बराबर होता है 25.4, यानी कि 25.4 mm। अब अगर वहीं पे हम 1 feet की बारे में बात करें, तो जो हमारा 1 foot बराबर होता है 0.3048 मीटर, जो हमारा 1 foot की वैल्यू होती है। और 1 yard की जो वैल्यू होती है वो है 0.9144 मीटर, और 1 meter बराबर होता है 3.28 feet। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है 1 mm बराबर होता है 0.394 इंच, एंड जो हमारा लास्ट नंबर है 1 mil बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। तो ये हमारे स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर यहाँ पे हम नीचे बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट नंबर है 1 newton बराबर क्या होता है, तो 1 newton बराबर होता है 0.10 kg, जो कि 1 newton की kg में वैल्यू होती है। और वहीं पे अगर हम थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में बात करें, तो जो हमारा थर्ड नंबर है वह है वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि जो इंजीनियरिंग में मटेरियल का यूज किया जाता है साइट पे, तो उसका वेट क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है बिटुमेन, तो बिटुमेन का जो वेट लिया जाता है वो 1340 kg मीटर क्यूब लिया जाता है। और जो हमारा सीमेंट होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। वहीं पे थर्ड नंबर जो हमारा है कास्ट आयरन का, तो जो कास्ट आयरन का वेट लिया जाता है वो 7650 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। और वहीं पे हम स्टील की बारे में बात करें, तो जो स्टील का वेट है वो क्या लिया जाता है, तो जो स्टील का वेट है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। और जो हमारा अगला नंबर है ICE, तो उसका जो वेट लिया जाता है वो है 913 kg पर मीटर क्यूब वेट लिया जाता है। और जो हमारा लास्ट नंबर है वो है पेट्रोल, तो जो पेट्रोल का वेट लिया जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल में, तो वो है 690 kg मीटर की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।